हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस जीए के टॉप 100 क्वेश्चन का एक और नया क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लेकर आता हूं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 52 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही पार्ट आपकी आने वाली हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, हाल ही में दिसंबर 2019 में किस देश ने अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चीन। और दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको एग्जामिनर इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि CZ5 किस देश का रॉकेट है, तो याद रखिएगा ये चीन का है और इसे दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फुकन आयोग संबंधित है? आंसर है तहलका टेप कांड से। 15 नवंबर 1949 को गांधी जी की हत्या के आरोप में किसको नाथूराम गोडसे के साथ अंबाला जेल में फांसी दी गई थी? आंसर है नारायण आप्टे। हाल ही में दिसंबर 2019 में किस देश ने अपनी पहली अवागार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? सही आंसर हो जाएगा रूस। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? सही आंसर है पार्लियामेंट। टमाटर सॉस में पाया जाता है? आंसर है एसिटिक अम्ल। दिसंबर 2019 में विकास सवनीस का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है कार्टूनिस्ट। दोस्तों, विकास सवनीस बाल ठाकरे और आर के लक्ष्मण से प्रेरित थे और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लक्ष्मण भोग अप्पे मिड्डी बंगाना पल्ले मराठावाड़ा केसर किस फल की किस्में हैं? आंसर है आम। प्रथम आईपीएस महिला अफसर कौन थी? सही आंसर है किरण बेदी। भारत के किस पूर्व गृह मंत्री के नाम पर उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। हाल ही में 2019 में किस पेमेंट बैंक ने NEFT सुविधा शुरू की? आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। निशांत क्या है? सही आंसर है पायलट रहित टारगेट एयरक्राफ्ट। दिसंबर 2019 में पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोर्चुनिज्म नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? सही आंसर है RPN सिंह। फ्री किक हाफ टाइम का संबंध किस खेल से है? आंसर है फुटबॉल। कटक किस नदी के किनारे बसा है? आंसर हो जाएगा महानदी। हाल ही में 2019 में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? सही आंसर है ताइवान। कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारतीय कानून प्रणाली में अग्रिम अंतरिम और नियमित किसके प्रकार हैं? आंसर है जमानत। हाल ही में 2019 में भारत ने किस देश को 2 MI-24 हेलीकॉप्टर दिए हैं? आंसर है अफगानिस्तान। 2019 में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आंसर है केरल। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है? आंसर होगा 2 सेकंड। हाल ही में 2019 में किस देश ने पहली बार स्थायी निवास को मंजूरी दी? आंसर है सऊदी अरब। अगर जमुना पाली और बीटल बकरी की नस्लें हैं तो कराकुला और नीलगिरी किसकी नस्लें हैं? आंसर हो जाएगा भेड़। लाल रेड क्रॉस किसका प्रमुख प्रतीक है? आंसर है अस्पताल और डॉक्टरी सहायता का। रामास्वामी
पन्वेश्रम को किस देश में ऑपरेशन पवन के दौरान उनकी सेवाओं के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? आंसर है श्रीलंका। हाल ही में 2019 में किस राज्य में भारत के कुल भंडार का 35% ग्रेफाइट पाया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन कोर का मतलब है? आंसर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिवता। हाल ही में 2019 में किस राज्य की विधानसभा ने सभी कार्यवाही कागज रहित करने की घोषणा की है? आंसर है केरल। गुजरात के साबरमती घाट का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर है अटल घाट। हाल ही में 2019 में बिप्लव बैद्य और कुंतल करार का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है पर्वतारोही। मीणा किस राज्य की जनजाति है? आंसर है राजस्थान। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है? आंसर है आवर्तकाल। हाल ही में 2019 में भारतीय गैंडा के लिए डीएनए डेटाबेस बनाने हेतु परियोजना किसने शुरू की? आंसर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। समाचार पत्र स्टार का प्रकाशन स्थल है? आंसर है जोहान्सबर्ग। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। रेबीज रोग का कारक है? आंसर है वायरस। 2019 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम क्या था? आंसर है म्यूजियम एज कल्चरल हब द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन, और इसे 18 मई को मनाया जाता है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? आंसर है भरतनाट्यम। प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर है बछेंद्री पाल। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? सही आंसर है पिट्यूटरी। 2019 में बैसाख उत्सव किस देश में मनाया गया? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? आंसर है महात्मा गांधी। किस प्रकार की नृत्य शैली पर मुगल दरबार का प्रभाव है? आंसर है कथक। ठोस से द्रव्य में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? आंसर है गलन। हाल ही में 2019 में रलापपल्ली वेंकटा का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है अभिनेता। इटली की राजधानी है? आंसर है रोम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है? आंसर है शिमला। स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र है? आंसर है थर्मोस्टेट। 2019 का सस्कावा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है डॉक्टर पी के मिश्रा को। कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? आंसर है जापान। कांकड़ापाड़ा परियोजना स्थित है? आंसर है ताप्ती नदी पर। सिकमैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? आंसर है तुर्की। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं? आंसर है तबला। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आंसर है संतोष यादव। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर है मिहिर सेन। क्रिकेट में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? आंसर है लाला अमरनाथ। अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित हैं? आंसर है शूटिंग। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। कौन सा देश लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? आंसर है नॉर्वे। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? आंसर है सुंदर लेखन। सोने का शुद्धतम रूप स्वरूप कौन सा है? आंसर है 24 कैरेट। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? आंसर है कार्बोनाइजेशन। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? आंसर है H2SO4। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है? आंसर है संक्रमण से लड़ना। एंजाइम मदद करता है? आंसर है भोजन पाचन में। भोजन का पाचन सामान्य रूप से किस में होता है? आंसर है छोटी आंत। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? आंसर है महाधमनी। उस राजपूत राजकुमारी का नाम क्या है जिसने अकबर से शादी कर ली थी? आंसर है जोधा बाई। किस शहर में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आंसर है ओस्लो। कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था?
आंसर है पेंटिंग। स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया किस शहर की महारानी थी? आंसर है ग्वालियर। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है 5। महारोली में लोह स्तंभ किस राजवंश अवधि के शासन के दौरान बनाया गया था? आंसर है गुप्त राजवंश। सियाचिन है, आंसर हो जाएगा 1 हिमनद। कामसूत्र के लेखक कौन है? आंसर है वात्स्यायन। 1 रुपए मूल से ऊपर के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नॉर्मन आर्नस्ट बोरलॉग जो भारत में हरित क्रांति का पिता माना जाता है किस देश से हैं? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था? आंसर होगा शिमला। पुस्तक सत्यार्था प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है स्वामी दयानंद। वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कंबोडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है कंपूचिया। विश्व का सुगर बाउल किस देश को कहा जाता है? आंसर है क्यूबा। 38वां समानांतर किस देश को विभाजित करता है? आंसर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला प्रदेश है? आंसर है केरल। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? आंसर है श्रीहरिकोटा। मुरादाबाद किसके लिए प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध है? आंसर है पीतल के बर्तन। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है राजस्थान। सर्वाधिक गर्म ग्रह है? आंसर है शुक्र। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है? आंसर है बुध। कौन से ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन का अस्तित्व होने की उम्मीद वैज्ञानिकों को है? आंसर है मंगल। बोधगया स्थित बोधि वृक्ष 1 है? आंसर है पीपल का पेड़। किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? आंसर है अशोक। अजंता गुफाएं किसके समय में बनाई गई थी? आंसर है गुप्त। हर्षवर्धन के समय में खेतों को गति यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, यह किसके लेखों द्वारा ज्ञात हुआ? आंसर है ह्वेन सांग। जैनों का कौन सा वर्ग सिर्फ सफेद कपड़े पहनता है? आंसर है श्वेतांबर। आगरा स्थित ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? आंसर है मुमताज महल। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।